नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम क्लास कक्षा एक का पार्ट 11 पतंग को पढ़ाएंगे। ये एक कविता है, छोटी सी कविता है। पतंग तो आप सभी ने देखी होगी, रंग बिरंगी कलर कलर की पतंगें होती है। इसको हम आसमान में उड़ाते हैं, मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं, और आपने पतंग कॉम्पिटिशन भी किया होगा जिसमें पतंग बनाना सिखाया होगा आपको। ठीक है, तो आप भी पतंग कैसी उड़ती है आसमान में हम पढ़ते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। पतंग कैसे उड़ती है? जब हवा में उड़ती है आसमान में तो कैसी आवाज़ आती है उसकी? हवा के साथ सर 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 और फर 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 उड़ती है ना। जब आसमान ऊपर जाती है तो आपने देखा हो हवा में ऐसे ऐसे हिलती है और सर सर फर फर ऐसे करती है, पतंग उड़ती है। इसको काटा उसको काटा, अब आसमान में ढेर सारी पतंग उड़ती है, खूब लगाया सैर सपाटा, तो कभी ये पतंग इसको काट रही, कभी ये पतंग इसको काट रही, और आसमान में क्या करती है वो खूब सैर सपाटा करती है, कभी इधर कभी उधर। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब आसमान में दो तीन पतंग जैसे उड़ती है तो वो एक दूसरे से लड़ने में जुटी हुई रहती है कि इससे लड़ें कि उससे लड़ें। अरे कट गई लुटी पतंग, अब एक दूसरे से लड़ते लड़ते वो जो मांझा का जो धागा रहता है ना, ये बहुत कटीला रहता है, इससे हाथ तक कट जाते हैं, तो इससे धागा कट जाता है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, अब पतंग एक दूसरे से लड़ती है, फिर क्या होता है, पतंग कट जाती है, धागा से धागा कट टकराते हैं ना तो कट जाती है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, कैसे पतंग उड़ती है हमारी, सर 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 फर 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 फर। छोटी सी कविता है, आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसके क्या है, पतंग का चित्र बनाओ। जो चित्र आपको पसंद हो पतंग का उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं और कलर भरिए अच्छे रंग बिरंगे। अब कविता बनाएं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी कैसे बोलती है? घंटी बोली टन टन टन, ठीक है। उड़ता कपड़ा फर 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 फर, चूड़ी बोली खन 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 खन, ऐसे इसमें भरना है हमको। सोचो और लिखो, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पे गई, वहां तुमने क्या क्या देखा? तो क्या क्या देखते हैं हम सैर सपाटे पे जाते हैं तो पतंग क्या क्या देखते हैं? पेड़ पौधे देखते हैं, नीले नीले आसमान देखते हैं, तालाब देखते हैं, नदी देखती है, ठीक है। अरे हम पतंग के साथ सैर सपाटे पे जाते हैं तो ये जितनी चीजें सब दिखती हैं। पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है पतंग? आप सोचो, पेड़ों पर, मैदान पर, रास्ते पर, नदी तालाब, कहीं भी पतंग कट के गिर सकती है। कागज़ से कुत्ता बनाओ। एक कागज़ लेना है मस्क्योर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, उसको बीच में सबको फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है, फिर यहाँ से और यहाँ से इसको ऐसे कान बना देना है मोड़ के, और इसकी आँखें और मुँह ड्रा कर देना चाहिए। बन गया हमारा कुत्ता, ठीक है। आई होप आपको ये पोयम कविता अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो इसको याद कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।